योग का इतिहास ये है कि योग का कोई इतिहास ही नहीं है। जब से ये सृष्टि है तब से योग है। साइंटिफिकली ये प्रूव है कि हमारी बॉडी जो है वो 5 एलिमेंट से बनी है और ये पूरा यूनिवर्स 5 एलिमेंट से बना हुआ है। तो बेहोशी में किया गया काम भोग है, होश में किया गया काम योग है। कोई भी काम कर रहे हैं हम जागरूक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अगले उन्हार उन्हार श्वेता आ रही है। सशक्तिकरण के लिए योग। अभी हम लोग जो योग अभ्यास करने जा रहे हैं इसको बोलते हैं हठ योग। और वैसे तो मैं डेली सभी को योग के बारे में बताता हूँ, योग सिखाता हूँ, लेकिन आज मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं शायद वो चीज़ें बता पाऊँ जो मैंने अभी तक नहीं बताया किसी को। और क्योंकि जो योग कर रहे हैं हम लोग, तो योग का इतिहास ये है कि योग का कोई इतिहास ही नहीं है। जब से ये सृष्टि है तब से योग है। योग की डिफिनीशन है, योग का जो अर्थ मीनिंग होता है वो जोड़ना होता है, ऐड करना किसी भी चीज को। ठीक है, वाटर को सॉल्ट में ऐड कर दिया तो एक सॉल्ट जो है वो अपना एक्सिस्टेंस खो देता है। तो एक छोटी सी चीज है उससे कोई बड़ी चीज बन जाती है, तो कोई छोटी सी चीज होती है वो अपना एक्सिस्टेंस खो देती है। तो उसी तरह से जो आत्म तत्व है वो परमात्म तत्व की तत्व में विलीन हो जाता है। साइंटिफिकली ये प्रूव है कि हमारी बॉडी जो है वो 5 एलिमेंट से बनी है और ये पूरा यूनिवर्स 5 एलिमेंट से बना हुआ है। तो जब इस यूनिवर्स में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारी बॉडी में भी प्रॉब्लम शुरू होने लगती है। सूर्य का इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है, चंद्रमा का इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। ठीक है, अगर थोड़ी भूख ना निकले फिर देखिए कैसे इरिटेट हो जाते हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाए तो भी दिक्कत है। तो ये 5 एलिमेंट जो हैं, जो नेचर में है और जो हमारे बॉडी में है, उन दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। इसी तरह से त्रिदोष होता है वात पित्त कफ। ठीक है, उसका बैलेंस होना जरूरी है। अगर वो बैलेंस नहीं होगा तो शरीर में तमाम तरह की व्याधियां उत्पन्न होंगी। और
एक फिलोसफी है जिसको सांख्य दर्शन कहा जाता है, उसमें बताया गया है प्रकृति और पुरुष के बारे में। देखिए हम लोग अपने इन ग्रंथों को पढ़ते नहीं है तो ये वर्ड्स थोड़े से आपको वैसे लगेंगे, टिपिकल लगेंगे, ठीक है। लेकिन इसी को अगर कोई साइंटिस्ट आके या कोई आके यहाँ पे एक्सप्लेन करे, अच्छे से प्रेजेंटेशन दिखाए कि ये ऐसा होता है, ये एटम होता है, ये इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तो खूब अच्छे से समझना है। तो वही सारी चीजें हैं। तो ये जो यूनिवर्स है वो त्रिगुणात्मक है, थ्री क्वालिटीज है इसके अंदर, सत रज तम, और ये तीनों चीजें बदलती रहती है क्योंकि ये सृष्टि का गुण है। तो हमारे अंदर भी होगा, जब सृष्टि के अंदर है तो हमारे अंदर भी होगा, तो वो चीजें हमारे अंदर भी बदलती रहती है। तो और ये जरूरी भी है, आवश्यक भी है, ऐसा नहीं है कि तमस खराब है, रजस खराब है, ये सर्वाइवल के लिए अति आवश्यक है, तीनों का बैलेंस होना जरूरी है। शरीर जो है वो तमस, अगर शरीर में तमस ना हो तो शरीर एकदम स्थिर नहीं हो सकता है, और जब तक शरीर एक जगह पर स्थिर नहीं होगा तब तक कुछ काम नहीं हो सकता है। तो स्टेबिलिटी जो है वो तमस स्टेबिलिटी लाता है। जैसे इतने सारे ग्रह हैं, नौ ग्रह हैं, ठीक है, वो गोल गोल घूम रहे हैं, अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं, ठीक है, तो आपका दिमाग सही हमारे साथ क्या होता है कि थोड़ा सा कुछ हो गया तो ये सारे फायदे हैं। योग के कई सारे प्रकार लोगों को पता नहीं और लोग उसमें इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं। पहला हो गया भट योग, दूसरा हो गया राज योग, फिर कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग। मतलब सुबह से शाम तक हम योग करते रहते हैं, हमें पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। तो बेहोशी में क्या है, एक बहुत सिंपल डिफिनेशन में दे रहा हूँ योग की। बेहोशी में किया गया काम भोग है, होश में किया गया काम योग है। कोई भी काम हम कर रहे हैं, हम जागरूक हैं, माइंडफुल हैं, वो योग है। कोई भी काम हम कर रहे हैं हमें पता ही नहीं है कौन से इसलिए कर रहे हैं, तो वो फिर योग नहीं है, ठीक है। और जब हम जागरूक होकर कोई काम करेंगे तो उस काम की क्वालिटी बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली, हम गलत तरीके से करते हैं तो सोच समझ नहीं जाएगा उस काम को। तो उन सारे एलिमेंट्स को ऐड करना है, सिर्फ हट योग में नहीं रहना। हट योग एक पार्ट है, एक जर्नी है, फिजिकल बॉडी में एक टूल है, इसका इस्तेमाल करना है अपने माइंड को, अपने बॉडी को स्ट्रेच करना है, पूरी बॉडी को स्ट्रेच करना है, सामने एक पॉइंट पर फोकस करें और बैलेंस करना और होल्ड करके एक काउंट पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सांस छोड़ते हुए नीचे नहीं हथेली को सिर्फ रखें, फिर से एक बार कर लिया इनहेल अप, सांस लेते हुए ऊपर हथेली को खींची आसमान की तरफ, पूरा स्ट्रेच कीजिए, मसल स्ट्रेच ज्वाइंट स्ट्रेच कीजिए, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्सल डाउन रिलीज रिलैक्स, हाथ नीचे कर लीजिए। ये ताड़ासन किया हमने, ताड़ासन से पहले तो हाइट बढ़ती है, पूरी बॉडी की मसल से स्ट्रेच हो जाती है, आपके इंटेस्टाइन की स्ट्रेचिंग होती है। तो ये तीन आसन है, ताड़ासन, त्रिलोकतासन, कटिचक्रासन, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पीटी के बोलते हैं। जिनको भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, सुबह उठी है ऊषा पानी पीना, ऊषा पानी मतलब पानी पीना है। पानी कैसे पीना है, ऊपर आसन कैसे बैठ कर पीना है। अगर आप ऐसा नहीं बैठ पा रहे तो चेयर पर या सोफे किसी भी चीज बैठ कर पानी पी सकते हैं। कैसे पानी पीना, सिप सिप करके, बहुत ऐसा नहीं पीना है, घूम घूम करके पानी पीना है, जाएगा आपकी बॉडी को डिटॉक्स करते हुए इंटेस्टाइन में, फिर फ्रेश होने से पहले और जाने से पहले तीन आसन करना है, तीन तीन बार करना है, ताड़ासन, क्रियाताड़ासन, कटिचक्रासन, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका इंटेस्टाइन क्लीन रहेगा, इंटेस्टाइन क्लीन रहेगा, पूरी बॉडी हेल्दी रहेगी, क्योंकि सारी प्रॉब्लम जो है वो बस इस एरिया से, इस एरिया की बहुत साफ सुथरा रखना है ताकि आपका भोजन अच्छे से पचे, आपका मेटाबॉलिज्म सही रहे। तो ये तीन आसन में करते हैं। अगला आसन करता है क्रियाताड़ासन, दोनों पैरों की पोजीशन शोल्डर लेवल पर ग्रैब कर लीजिए और आपके खुद की पोजीशन सामने की तरफ रहेगी, दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे फिर से, दोनों हाथ के फिंगर पिंच लॉक कीजिए, बांह को सीधा फॉरवर्ड, सांस लीजिए, सांस लेते हुए हाथ को ऊपर खींचिए, अब सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, सभी लोग एक साथ लेफ्ट साइड की बैंड करें, राइट साइड होल्ड 1 2
तीन घंटे तक जब आप किसी आसन में बैठेंगे तो बोलते हैं कि योगी हवा में उड़ने लगता है, तो बाहर से देखने में नहीं उड़ता है, बाहर से देखने में वो जमीन पे ही बैठा रहता है, लेकिन वो मानसिक रूप से हवा में उड़ने लगता है। उसको एहसास होता है कि शरीर है ही नहीं, शरीर इतना हल्का हो जाता है, इतना लाइट फीलिंग आती है। ठीक है, तो मेंटली आपको पता नहीं रहता कि शरीर है, आप इतने रिलैक्स हो जाते हैं, आपका माइंड इतना रिलैक्स हो जाता है। लेकिन अब वो क्या होता है प्रॉब्लम, अब पतंजलि जो आता है, नौ तरह के विच्छेद होते हैं, नौ तरह के अंतराय होते हैं, तो उसमें से एक है उसको बोलते हैं अंग व्याजत्व। अंग व्याजत्व का मतलब होता है जब आसन कर रहे हैं शरीर में कंपन उत्पन्न हो, तो वो लक्षण है। तो अब क्या होगा, अब जो भी काम करेंगे उसमें कंपन उत्पन्न होगा, ये लक्षण है। ठीक है, कोई भी काम करेंगे, बोलेंगे उसमें भी कंपन उत्पन्न होगा, खाना बनाएंगे उसमें भी कंपन उत्पन्न होगा, एनीथिंग जो भी काम करेंगे उसमें कंपन उत्पन्न होगा, वो कंपन अलग अलग तरीके से उत्पन्न होगा। ठीक है, उसको समझना पड़ेगा। तो ये लक्षण है, यहाँ पे ये पतंजलि बताते हैं कि शारीरिक लक्षण है, इसका मतलब ये कि आपका पूरा जीवन कंपित रहेगा, आप स्टेबल नहीं हो पाएंगे, कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर। तो शारीरिक लक्षणों को पहचानना है और उन लक्षणों को पहचान के उन्हें दूर करना है, क्योंकि वो लक्षण मन में भी है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये योग इस तरह से पाया जाता है, लेकिन जब इसको जानेंगे समझेंगे तो आप इंटरेस्ट लेंगे, तभी फायदा होगा, नहीं तो फिर रोबोट की तरह कर रहे हैं, कोई मतलब एक्सरसाइज में और रोबोट में नहीं। ठीक है, तो जो पांच हस्तासन हमने किया, तो पहले तो क्या होता है कि ब्लड का फ्लो आपकी ब्रेन की तरफ, दूसरा टमी के इफेक्ट पड़ता है, पेट के इफेक्ट पड़ता है, आपके हाई से मतलब से इफेक्ट पड़ता है, तो तीन चार अगर सही चीज वापस आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो ये एक दिन की बात नहीं है कि इतना शांत से आसानी से आके मैंने कर दिया, ये है कठिन तपस्या। ठीक है, और आगे हैं हम वरेणिया जी, हैं आप आगे गेट पर, उनके लिए क्लैपिंग कीजिए। ये जो भी योगा प्रैक्टिस कर रही हैं, काफ़ी टाइम से सेंटर पर आ रही हैं, और इनका इनका भी खूब मेहनत करते हैं, इन्होंने आसन का काम किया है, आसन ही नहीं प्राणायाम और सारी चीज़ें, योग के विद्यार्थी भी हैं, तो ये कुछ आसन करके दिखाएंगे जो भी आपको लगे करना चाहिए, बैलेंसिंग वाले आसन या कुछ भी, और कोई भी। चलिए मैम वीरभद्रासन कीजिए आप, वीरभद्रासन थर्ड। पकासन हो जाएगा, चक्रासन कर दीजिए। देखिए ये आसन दिखाने का मतलब ये नहीं है कि मतलब कुछ हो रहा है, दिखाने का मतलब ये है कि ऐसे ऐसे आसन होते हैं ताकि आपके अंदर इंटरेस्ट आए, आप भी करें। रिलैक्स। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारी अगले उन्हार होनहार श्वेता आ रही है आपकी। देखिए अभी इन सब लोग से करवा लेना कि सब नहीं योग सब लोग करें, इनका भी पार्टिसिपेशन हो, उसके बाद से फिर हम आपके ऊपर आएंगे। चलिए कीजिए, कोई भी आ सकते हैं। फॉरवर्ड करने की कोई गलती नहीं, पिछली बार समझ आई।
जितना हो रहा है उतना करके दिखा दीजिए। ठीक है फॉरवर्ड करने के लिए पादहस्तासन कर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन कैंडल एक्स। ठीक है और विनीता मैम है आप भी एक आसन कर दीजिए, आप भी बहुत अच्छा करते हैं। ठीक है काफी आप भी मेहनत करते हैं, सभी लोग करते हैं। चलिए मैम ने खुद ही चक्रासन चूज किया है। होल्ड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन रिलैक्स। वन टू थ्री स्टार्ट।
अमामृता ओम त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बंधनां वृद्ध्योर्मुक्षे अमामृता ओम त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बंधनां मृत्योर्मुक्षे अमामृता ॐ त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बंधनां मृत्योर्मुक्षे अमामृता ॐ त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बंधनां मृत्योर्मुक्षे अमामृता ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति 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 सर्वार्षु शांतिर्भवतु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें, हर जगह शांति हो, हर जगह प्रेम हो। बात लंबी गहरी सांस लें, सांस छोड़ें, दोनों शरीरों को आपस में रब करें, आंखों पे लगाएं, चेहरे पे लगाएं, धीरे से अपनी आंखें खोल लें। तो अभी हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे हम सभी लोगों ने मिलकर योगाभ्यास किया। आप सभी लोग आए इस कार्यक्रम में, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग नहीं आए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और फिनिक्स क्लासियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना अच्छा माहौल क्रिएट किया, इतना अच्छे से हम लोग कर पाए। इस बार का योगा का नारी सशक्तिकरण पर है, विमेन एम्पावरमेंट पे, कि वो स्वस्थ और कैसे देश को खुश रख सकते। इस बार का जो स्लोगन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिया है, योगा फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण के लिए योग। तो आज हम देख ही रहे हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो नारियों की है। आप लोगों का हृदय से धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पे आए और हमारे कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाया, और फिनिक्स प्लासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों ने अपना समय दिया और बहुत अच्छे से मैनेज किया।